मोर ऑटो मोर कोरबा यातायात जागरूकता कार्यक्रम कोरबा रेलवे स्टेशन आयोजन पर किया गया। उसके मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल रहे। उन्होंने ऑटो चालकों से कहा, शहर में कोई भी मुसाफिर ट्रेन या बस से आते हैं, उसका पहला सामना शहर के ऑटो चालकों से होता है, जो कि यातायात व्यवस्था की स्थिति पता लगा लेता है। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक 24 घंटे रोड पर रहते हैं। इस दौरान आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को फोन करके बताएं। इससे शहर में होने वाले अपराधों के ग्राफ को रोका जा सकता है और साथ साथ अपने ऑटो के दस्तावेज को भी दुरुस्त कर ले और निर्धारित स्टॉपेज पर ही ऑटो रोके। नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू ने कहा कि कई बार अपराधी किस्म के लोग अपराध घटित करने के लिए ऑटो का सहारा लेते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति यदि इस मंशा से आपके ऑटो का इस्तेमाल करता है तो इसकी सूचना संबंधित थाना में जरूर देवे। यातायात शिवचरण परिहार ने बताया कि जिले संचालित सभी ऑटो को चालकों को सीरियल क्रम यातायात पुलिस द्वारा यूनिक नंबर दिए जाएंगे, जो ऑटो सामने चस्पा किया जाएगा। इस नंबर में ऑटो और उनके चालकों की समग्र जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा सभी ऑटो चालकों को यूनिफॉर्म पहनकर ही ऑटो चलाने का कहा गया है, जिसके अलावा कोरोना काल में कोई प्रोटोकॉल का पालन करने वाले 30 ऑटो चालकों को सम्मानित किया गया। आज हमारी पुलिस ने यातायात के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है, मोर ऑटो मोर कोरबा। आज हमारी यातायात पुलिस ने एक नई शुरुआत की है, मोर ऑटो मोर कोरबा। इसका ये है कि हमारे जितने भी ऑटो चालक हैं, उन सभी लोगों को उनके ऑटो के लिए अलग अलग नंबर मिलेगा। उस नंबर के हिसाब से हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। जैसे एक नंबर की है ऑटो, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके बाकी नंबर्स क्या हैं, ताकि कोई भी सिचुएशन होती है तो हमारे पास दो नंबर के ऑटो, तीन नंबर के ऑटो आ गए तो जो डिटेल रहेगा हम सभी लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सभी ऑटो चालक जितने भी हैं, उन लोगों को एक ड्रेस मिला है और सभी लोगों से ये हम लोगों ने कहा है कि ड्रेस को, मतलब वो लोग है, मतलब ड्रेस में ही रहेंगे, ताकि कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो हम लोगों की पूरी पहचान हो सके कि ऑटो मतलब ऑटो से संबंधित व्यक्ति हैं उस ड्रेस के माध्यम से। और थर्ड, यहाँ पर सभी लोगों से ये उम्मीद है कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मतलब यातायात को लेकर के काफ़ी सारी दुविधा की स्थिति रहती थी। तो हम लोगों ने आज इसीलिए एक नई कार्यक्रम की शुरुआत की है कि हम सब ऑटो संघ के साथ और यातायात पुलिस मिल करके एक अच्छी व्यवस्था बना सकें, ताकि शहर के लोगों को एक अच्छी सेवा मिल सके। इसी उद्देश्य से ड्रेस में इसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी, जो कि ऑटो तो मतलब ऑटो होता था, लेकिन कई बार ऐसे हम लोगों को जन सामान्य से शिकायत मिलती थी कि सर वो ऑटो में जो था मुझे नहीं लगता है कि ऑटो ड्राइवर है या कोई भी है। तो हम लोगों ने ये कहा है कि जैसे ऑटो कभी कभी क्या होता है कि किसी के ऑटो को लेकर कोई भाग जाता है, तो हम लोगों ने इसलिए ड्रेस वाला कॉन्सेप्ट रखा है कि जब भी ये ड्रेस में रहेंगे तो ये हम लोगों को क्लियर रहेगा कि ऑटो उस व्यक्ति का है, और ड्रेस में रहने से हमको को कभी काउंटिंग वाउंटिंग कोई भी चीज़ होती है तो उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। सर, जो यमराज और चित्रगुप्त के लिए किया तो संदेश क्या संदेश दिया था उसने? इसके माध्यम से हम लोगों ने, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही मतलब जैसे जब सड़क पर कोई घटना घटती है, आदमी स्पॉट पर ख़त्म हो जाता है, चोट लगती है, तो इन लोगों को हम लोगों ने साथ में इसलिए रखा है कि अगर आप लोगों ने आते हैं नियमों का पालन नहीं किया तो यमराज आपके पास खड़ा रहेगा और आपको ले जाएगा। इसीलिए आप लोग की बैठक की वर्दी पर नजर आएंगे, आप लोग किस तरह इसको स्वागत करते हैं और क्या है आप लोग किस नियम पालन करेंगे? जिला ऑटो संघ परिवार, आप बहुत हम लोग की खुशी की बात है कि हमारे जिला में जिला कोरबा के पुलिस अधीक्षक माननीय पटेल साहब जी, DSP परिहार सर जी, CST सर और जो पुलिस प्रशासन हमेशा सहयोग किया है आपके माध्यम से, और मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि पुलिस का हमेशा जिला ऑटो संघ का सहयोग रहा, आज भी सहयोग मिला है। आज एक यूनिक नंबर जो मिल रहा है ये बहुत अच्छा सराहनीय है कि उस पर उस विभाग का 100 नंबर, 112 नंबर और वो मोबाइल नंबर रहेगा। उससे हर ऑटो चालक को फायदा है, उस पैसेंजर को फायदा है कि एक नंबर ऑटो नंबर एक है, उससे क्लियर हो जाएगा कि ऑटो नंबर एक कौन चला रहा था, राम इकबाल चला रहे थे कि कौन चला रहा था, उससे उस ड्राइवर तक हम लोग पहुँच सकते हैं। बहुत से सवारियों का सामान छूट जाता है जिससे कि उसको सहूलियत मिले उस यूनिक नंबर से। ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के जिला ऑटो संघ अच्छे काम में हमेशा सहयोग किया है, आज भी करेगा। मैं अपने जिला ऑटो संघ के तरफ से, परिवार के तरफ से, मैं इस यातायात प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय जी को, पुलिस विभाग को
कोट कोट बधाई देता हूँ कि उनके धन्यवाद देता हूँ कि वो हम लोग को बहुत शांति बहुत अच्छे ढंग से वो हम लोगों को भी समझ गए हैं, हम लोग भी अच्छे ढंग से इसका परिचालन करते हैं। चला।